नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई केसी पॉइंट में। माई केसी पॉइंट में आज हम लोग देखेंगे रेलवे NTPC ग्रुप डी प्रीवियस मॉक टेस्ट नंबर 5। इसके पहले 4 मॉक टेस्ट हो गया है जो कि इसी चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और यदि इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम में जाएं और उसमें सर्च करें माई केसी पॉइंट। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम से हैं। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वाल्ट जीनी, स्टीवन स्पीलबर्ग, रिडले स्कॉट, जोसेफ एस न्यूमैन। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा होगा ए, वाल्ट जीनी। और इसके डिटेल का बात करें तो डिटेल हो जाएगा कि सर्वाधिक ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड वाल्ट जीनी जी के। ऑस्कर अवार्ड विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड फिल्म क्षेत्र का माना जाता है और यह अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1929 ईस्वी से की गई थी। और इस पुरस्कार को अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। एक ग्रेमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, यह भी सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना 1958 में की गई थी। और ग्रैमी पुरस्कार भी अमेरिका के द्वारा ही दिया जाता है। इस प्रश्न के लिए इतना ही। आइए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। ध्यानचंद, बलवीर सिंह सीनियर, लेस्टी वाटर, क्लाडियस, धनराज फिल्ले। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा बी, बलबीर सिंह सीनियर। इन्होंने पद्मश्री से सम्मानित बलबीर सिंह सीनियर पहले हॉकी खिलाड़ी थे। देखिए हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को बोला जाता है। ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और खेल दिवस कब? 29 अगस्त। 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद को भारत रत्न देने की बात बार बार किया जा रहा है मगर अभी तक मिला नहीं है। ये हॉकी का कप्तान रह चुके हैं। आइए, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? चावल, सूर्यमुखी, गन्ना, पेट्रोल। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा हमारा सी, गन्ना। एथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। गन्ना के खोई से बिजली प्राप्त किया जाता है। गन्ना के खोई वही जो रस निकाल देने के बाद जो बचता है उसी को खोई बोलते हैं। इसे बिजली प्राप्त किया जाता है। चावल में थायमिन पाया जाता है। चावल में जो होता है वह थायमिन पाया जाता है। और बायोडीजल फरंद, सूरजमुखी, जेट्रोफा, पेगामिया, अंडी इत्यादि से बायोडीजल निकाला जाता है। बायोडीजल का प्रयोग वाहन चलाने में किया जाता है। बायोडीजल का प्रयोग वाहन चलाने में किया जाता है। आइए अगला प्रश्न, 4 नंबर। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? PMI, BMI, AMI, KMI। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ये हमारा सही आंसर है बी, BMI। मोटापे को नापने के लिए BMI का उपयोग किया जाता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। रेनगेज से वर्षा की मापन किया जाता है। और बैरोमीटर तो आप लोगों को पता ही होगा कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। मेनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? एक 1 नंबर है प्रयास, भार, फलक्रम, कोर। तो इसका हमारा सही आंसर सी है, फलक्रम। लीवर पर वह बिंदु फलक्रम है। फलक्रम का हिंदी में जो बोलते हैं इसको हिंदी में आलंब बोलते हैं। इसको आलंब बोलते हैं, आलंब। दोनों लिख देता है, कभी ये लिख देगा कभी ये लिख देगा, तो इसलिए आपको इसको कन्फर्म होना जरूरी है। लीवर एक सीधी एवं टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी दृढ़ छड़ जैसी होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर।
सिक्स नंबर कहता है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमारा सही आंसर जो है बी है, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में होता है, इंडियन वर्ल्ड डॉक्टर सलीम द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर सलीम भारत में पक्षी विज्ञान के सबसे बड़े विशेषज्ञ हुए। वाज पक्षी शिकारी पक्षी माना जाता है, वाज वाज पक्षी जो होता है वह शिकारी पक्षी माना जाता है। तीव्रतम पक्षी अलाविल को मानते हैं। गिद्ध सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाला पक्षी है। गिद्ध की संख्या अत्यंत कम हो गया है, जो पर्यावरण मित्र पक्षी अर्थात मांस का भक्षण करता है। यह अगला प्रश्न देखते हैं, सेवन नंबर प्रश्न कहता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, प्लूटो, बृहस्पति, बुध या पृथ्वी। तो इसका जो हमारा सही आंसर है, ये हमारा सही आंसर है सी, बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा प्राग प्राग सम्मेलन, एक बार सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन कब हुआ था, तो अगस्त 2006 में हुआ था। इसके बाद बुध सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का है। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और बुध के क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र है। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। ये अगला प्रश्न देखते हैं, एट नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। इसका फोर ऑप्शन दिया है। इसका जो हमारा सही आंसर है, ये हमारा सही आंसर है बी, कूलम्ब। कूलम्ब हमारा सही आंसर है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। और बोल्ट जो है, बोल्ट विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का मात्रक बोल्ट होता है। पास्कल दाब का मात्रक एसआई मात्रक होता है। शक्ति वाट, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर। डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है। डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है। तो इसका हमारा चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो हमारा सही आंसर है, ये हमारा सही आंसर है ए, कोपेन हेंगस। ये अगला प्रश्न देखते हैं, 10 10 कहते हैं 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। मॉस्को, नई दिल्ली, पेरिस, लंदन। तो इसका जो हमारा सही आंसर है, ये हमारा सही आंसर है सी, पेरिस। 2015 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो था वह पेरिस में खेला गया था। और ये कब हुआ था, तो 28 नवंबर 2015 से 13 दिसंबर 2015 के बीच इस सम्मेलन हुआ था। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि जो मांद के लिए शेर है वह चिड़ियाखाने के लिए डैश है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है, इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा ए, जिस तरह से मांद के लिए शेर है, मांद में शेर रहता है, उसी प्रकार चिड़ियाखाने के लिए चिड़ियाएं हैं। ये अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है, नागार्जुन बांध, नागार्जुन सागर बांध, अलमांटी बांध, इंदिरा गांधी बांध या ग्रैंड अनिकुट बांध। तो इसका जो हमारा सही आंसर है, ये हमारा सही आंसर है डी, सबसे पुराना बांध है ये, भारत का सबसे पुराना बांध ग्रैंड अनिकुट बांध को ही बोला जाता है। नागार्जुन सागर एवं अलमांटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ये नागार्जुन और अलमांटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंची बांध सतलज नदी पर है। और हीराकुंड बांध सबसे लंबी नदी बांध महानदी पर है। सालमा बांध अफगानिस्तान में है, जो भारत के मदद से बना है। इंदिरा सागर बांध जो है वह सतलज नदी पर है। यह अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न कहता है 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। तो इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा जो इसमें सही आंसर है ये है बी, योंगचांग, योंगचांग में।
2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल योंगचांग में आयोजित होंगे और 2014 के शीतकालीन ओलंपिक सोची अर्थात रूस में आयोजित हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए लेजर, बी रडार, सी सोनार, डी स्क्यूबा। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ये है सी, एस सोनार। सोनार हमारा सही आंसर है। पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। गोताखोर अपने साथ हीलियम और ऑक्सीजन युक्त युक्त सिलेंडर श्वसन को नियमित बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। पेरिस्कोप में पानी के अंदर से पानी के बाहरी वस्तु को देखते हैं। रडार से वायुयान इत्यादि के संकेतों को ग्रहण करते हैं। और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। एक फैदोमीटर, ये बात याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो फैदोमीटर का भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, राजा जी, लॉर्ड बंटिंगन, राजेंद्र प्रसाद या लॉर्ड वेवेल। तो इसका जो हमारा सही आंसर है उसमें सही आंसर है बी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। माउंटबेटन भारत स्वतंत्रता के समय भी भारत के गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजा जी गोपालाचारी थे, राजा जी गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत या बिना किसी अतिरिक्त भार के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिंगन थे। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। और 1857 ईस्वी के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है। ये हर कोई जानता है अर्थात बहुत आसान प्रश्न है और बराबर पूछ लिया जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर है बी, लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम लाइका है। ये अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ये विटामिन से संबंधित प्रश्न है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ये अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है, ये हमारा सही आंसर है बी, हमारा सही आंसर बी है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की उल्लेख की सूची विकल्प में नहीं है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। यदि पूछे कि भारतीय संविधान में अभी कितने मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान में अभी 6 ही मौलिक अधिकार हैं। और भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार पहले था, एक को हटा दिया गया। कौन से हटाया गया, कब हटाया गया, तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो कि मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे निरस्त कर दिया गया है। मौलिक अधिकार की बात कहाँ से लिया गया है, तो USA से लिया गया है। ये अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो हमारा सही आंसर है वो हमारा सही आंसर है सी, स्टेन वांगरिका। 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार स्टेन वावरिका ने जीता था। चारों ओपन जीतने वाले खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम की उपाधि दिया जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश, 4 ऑप्शन दिया है, जो कि बी नंबर सही है, कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश
कनाडा है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है, सबसे बड़ा रूस है, एक नंबर पर है और दो नंबर पर ये है, किस क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल में क्रमशः चीन, यूएसए, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम स्थान पर हैं, और भारत क्षेत्रफल में सातवें एवं अर्जेंटीना आठवें स्थान पर है। ये अगले भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें स्थान पर हैं। अगले वीडियो में दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल